गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 10 करेंगे, फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्यौहार। अवर कंट्री इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, द पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल, दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इट कम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें दिवाली एक मुख्य त्यौहार है जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। A few days before Diwali, the people prepare themselves to welcome the festival warm-heartedly. Warm-heartedly मतलब बहुत गर्मजोशी से। दिवाली से पहले लोग बहुत गर्मजोशी से इस त्यौहार का इसकी तैयारी करते हैं। They clean their houses, shops and offices, they whitewash and decorate them. वो अपने घरों और दुकानों वगैरह की साफ सफाई करते हैं और उनमें whitewash करवाते हैं और उनको सजाते हैं। On the day of Diwali, they light lamps and candles. दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो लक्ष्मी जी धन की देवी होती है उनकी और गणेश जी की पूजा करते हैं। रात में दिए और लैम्प और मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। दे पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं सब। दे बाय स्वीट्स एंड फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स क्या होती है, आतिशबाजी या पटाखे, वे ये फायर क्रैकर्स खरीदते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स, पड़ोसी और दोस्तों में मिठाई बांटते हैं। दिस ईयर दिवाली फेल ऑन फ्राइडे, नीति एंड निखिल गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस साल जो दिवाली थी वो फ्राइडे को थी। नीति और निखिल जो भाई बहन थे दोनों सुबह जल्दी उठे दिवाली के दिन। दे टुक बाथ एंड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, दे वर वेरी हैप्पी, उन्होंने नए कपड़े पहने और वो बहुत खुश थे। दे वॉन्टेड टू बाय टॉयज एंड फायर क्रैकर्स, वो खिलौने और फायर क्रैकर्स खरीदना चाहते थे। देयर फादर सैड इट इज़ नॉट गुड टू बर्स्ट फायर क्रैकर्स, दे कॉज ए लॉट ऑफ नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन, लेकिन उनके पापा ने कहा कि ये पटाखे जलाना सही नहीं होता क्योंकि इनसे प्रदूषण होता है और आवाज़ होती है। नीति एंड निखिल आर गुड चिल्ड्रन, वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे। दे रिमेंबर वट देयर टीचर हैड सैड, उनको याद आया उनके टीचर ने क्या कहा था। इफ़ यू बस्ट फायर क्रैकर्स ऑन एनी फेस्टिवल, यू आर बींग बैड चिल्ड्रन, अगर तुम किसी फेस्टिवल में पटाखे जलाओगे तो तुम गंदे बच्चे बन जाओगे। नित्य एंड निखिल वेंट टू मार्केट विद देयर पेरेंट्स, वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं। द शॉप्स वर डेकोरेटेड वेल, सारी दुकानें बहुत अच्छे से सजी थी। द शॉपकीपर्स हैड पुट देयर आर्टिकल्स ऑन डिस्प्ले, दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल रखा था दिखाने के लिए। दे लुक्ड ब्यूटीफुल, द मार्केट वॉज क्राउडेड, मार्केट में बहुत भीड़ थी। मैनी पीपल वर देयर इन देयर कलरफुल क्लोथ्स, लोगों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे रंग बिरंगे। दे वर बाइंग डिफरेंट आर्टिकल्स, वो अलग अलग सामान खरीद रहे थे। आपने देखा होगा दिवाली पे सब कितनी खरीदारी करते हैं। चिल्ड्रन वर मूविंग हेयर एंड देयर, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे। दे लुकड वेरी हैप्पी, मैनी ऑफ देम हैड बॉट टॉयज एंड डिटेबल्स, वो सारे बहुत खुश थे और कईयों ने कुछ सामान भी खरीदा था खिलौने और खाने का। बट नन ऑफ देम बॉट एनी फायर क्रैकर्स, लेकिन किसी ने भी पटाखे नहीं खरीदे। फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ देयर फादर एंड टीचर, निखिल एंड नीति टू डिड नॉट बाय एनी फायर क्रैकर्स, अपने मम्मी पापा की सलाह मानकर उन दोनों ने भी कोई भी पटाखा नहीं खरीदा। दे बोट टॉयज एंड मैनी कलर्ड लाइट्स, उन्होंने क्या खरीदा, बहुत सारे खिलौने और रंग बिरंगी लाइट्स। वैन दे रिटर्न होम दे पुट द कलर्ड लाइट्स इन द हाउस, जब वो घर लौटे तो उन्होंने घर में बहुत सारी लाइट जलाई रंग बिरंगी। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। दे डेकोरेटेड देयर हाउस विद कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, उन्होंने अपने घर को मोमबत्तियों और जो दिए होते हैं ना, ऑयल लैम्प्स मतलब जो दिए होते हैं वो। दे प्लेड विद देयर न्यू टॉयज ऑन द इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो अपने खिलौने के से खेले। दे इंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने बहुत मजा किया। इन द इवनिंग दे परफॉर्म द गणेश, दे परफॉर्म एंड द गणेशा एंड लक्ष्मी पूजा, शाम को उन्होंने गणेश और लक्ष्मी की पूजा की। दे ऐड स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ खाई। दे ऑल वर वेरी हैप्पी, दे विश्ड हैप्पी दिवाली टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो बहुत खुश थे और हमने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिवाली की मुबारकबाद दी। इसके बाद हम इसकी वर्कशीट करेंगे। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में वर्ड मीनिंग, वार्म हार्टेडली मतलब मित्रतापूर्वक या शांत के साथ या बहुत गर्मजोशी से, पोल्यूशन प्रदूषण, आर्टिकल सामान, एडवाइस सलाह, वर्शिप पूजा, फायर क्रैकर्स आतिशबाजी, डिस्प्ले दिखाना, ईटेबल्स खाने की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ड्यूरिंग व्हाट मंथ इज दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली कब आती है। दिवाली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। व्हाट डू पीपल डू ऑन दिवाली, दिवाली पे लोग क्या करते हैं, ये अभी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है।
व्हाट डिड नितिन एंड निखिल्स फादर से, उनके पापा ने क्या बोला था? देयर फादर सेड दैट टू बर्स्ट फायर क्रैकर इज बैड बिकॉज दे कॉज ए लॉट ऑफ नॉइस एंड पोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा शोर और प्रदूषण होता है. व्हाट डिड देयर टीचर से, उनके टीचर ने क्या कहा था? देयर टीचर सेड देम इफ यू बर्स्ट फायर क्रैकर्स और एनी फेस्टिव ऑन एनी फेस्टिवल यू आर बींग बैड चिल्ड्रन. हाउ मैनी क्रैकर्स डिड नीति एंड निखिल बाय, उन दोनों ने कितने फायर क्रैकर खरीदे थे? नीति एंड निखिल डिड नॉट बाय एनी फायर क्रैकर्स, उन्होंने एक भी पटाखा नहीं खरीदा. हाउ डिड नीति एंड निखिल एन्जॉय देमसेल्फ, उन्होंने कैसे मजा किया? ये मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. द पीपल वाइट वॉश एंड डेकोरेट देयर हाउसेस. नीति एंड निखिल वॉन्टेड टू बाय टॉयज एंड फायर क्रैकर्स, पहले वो दोनों भी ये खरीदना चाहते थे. फायर क्रैकर्स कॉज ए लॉट ऑफ नॉइस एंड एयर पोल्यूशन. इन द इवनिंग दे परफॉर्म द गणेशा एंड लक्ष्मी पूजा. थैंक यू.